नमस्कार, मैं हूं निहारिका महेश्वरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज की बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक रैली की, जवाबदेही क्यों की थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की 2 साल की उपलब्धि गिनाई, कहा कि मैं 2 साल का हिसाब देने आया हूं, मैं जनता का प्रधान सेवक हूं और काम का हिसाब देना मेरी जिम्मेदारी है। जनता ने 2 साल में हमारे काम को परखा, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित रही। सहारनपुर के मंच पर मोदी सरकार ने चीनी मिल मालिकों को चेताया और कहा कि इतने दिनों तक चीनी मिल मालिकों ने किसानों के साथ जो किया वो अब नहीं चलेगा। केंद्र ने 14,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को दिए हैं। इस मौके पर विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि देश बदल रहा है, लेकिन विपक्ष लोगों का दिमाग उस हिसाब से नहीं बदला। मैं शुगर मिलों को चेतावनी देता हूं, इतने साल आपने किसानों के साथ जो किया है अब आपको नहीं करने दिया जाएगा। सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं कि आप अगर ईमानदारी से शुगर मिल को चलाएं तो गन्ना किसानों का कोई भुगतान बाकी रहने की जरूरत नहीं है। इथेनॉल बने जो हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल के साथ उपयोग में आए, ताकि कभी भी गन्ना किसान को मुसीबत की नौबत ना आए। यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। 2022 तक हम गांव गरीब किसान के लिए उन नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारे किसान की आय 2022 आते आते दो गुना हो जाए, डबल हो जाए। ये काम हमने तय किया।